चलो बच्चा स्टार्ट करते हैं। ओपनिंग जनरल हमें लिखना है। ओपनिंग जनरल में पहले इन्फॉर्मेशन पढ़ लेते हैं, उसके बाद ध्रुमिल कमानी स्टार्ट द बिजनेस विद द फॉलोइंग एसेट एंड लायबिलिटी ऑन 1 जनवरी 2015। राइट द ओपनिंग जनरल प्रॉपर। जनरल प्रॉपर में बच्चा ये ध्यान में रखना, कैश बैलेंस, बैंक बैलेंस कुछ भी नहीं आता, कैश ट्रांजेक्शन कुछ नहीं आता। वो कहाँ लिखा जाता है? रिकॉर्ड द कैश एंड बैंक इन द कैश बुक, क्योंकि वो उसकी जनरल अलग से, हम जनरल ऐसे बोल सकते हो सब्सिडरी बुक, कैश बुक हम मेंटेन करते हैं तो उसमें लिख देते हैं। सिंपल हमें एक बार पढ़ लेते हैं और उसके बाद क्या लिखना है, असेट एंड लायबिलिटी बाकी की लिखनी है। स्टार्ट करते हैं तो पहला क्या दिया हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ है कैश 18,000, बैंक 12,000, जो ये दोनों में से कुछ भी नहीं आएगा, ध्यान रखना। फर्नीचर 15,000, स्टॉक 20,000, पर्सनल डेटर्स 5,000 और ये लायबिलिटी है लोन फ्रॉम माया बेन 10,000 है। तो सबसे पहले बच्चा फर्नीचर तो हम एज यूजुअल लिख देंगे डेबिट, तो यहाँ पे हम फर्नीचर अकाउंट डेबिट हो जाएगा। इसके बाद स्टॉक जो होगा, स्टॉक अकाउंट भी हमारा क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। डेटर्स जो पर्सनल डेटर्स लेके आए तो वो भी हमारा क्या हो जाएगा, वो भी डेबिट हो जाएगा। अमाउंट लिख लेते हैं पहले तो 15 और यहाँ पे है 20 और ये 5,000 हमारे डेटर्स है, क्लियर। अब ये लायबिलिटी है तो यहाँ पे हम सबसे पहले लिखेंगे 12% माया लोन अकाउंट, माया बहन लोन अकाउंट कितना है, माया बहन का लोन 10,000 का। ये अब ऐसे नहीं लिख सकते हम बच्चा, अब मैंने जो लिखा है मुझे तो खाली बस एक पॉइंट एक्सप्लेन करना था इसलिए मैंने लिख दिया। आपको प्रॉपर ड्रॉ करना पड़ेगा उसके बाद ही करना, अदरवाइज आपके मार्क कट हो जाएंगे। टोटल करते हैं तो ये 20 × 5 तो 20 × 20 = 40 में से 10 जाएगा तो ये हो जाएगा 30। क्या लिखेंगे बच्चा, कैपिटल अकाउंट, क्या लिखेंगे कैपिटल, तो कैपिटल अकाउंट हमारा क्रेडिट हो जाएगा और इसके साथ ये खत्म। नरेशन में आपको लिखना है तो लिख सकते हैं बीइंग स्टार्टेड बिजनेस विद फर्नीचर स्टॉक पर्सनल डेटर एंड लोन ऑफ 10,000। ये जनरल एंट्री में ध्यान में रखना, कैश जनरली बढ़ता है यहाँ पे, लेकिन हम कैश बुक में लिखते हैं तो वो ध्यान में रखना है, ये पॉइंट जनरल एंट्री के वक्त ध्यान रखना। सर साइड में हट रहा है, प्रॉपर आप नोटबुक में लिख लो। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नए सम के साथ।